एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि गो ओवर क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में कब बोले गो ओवर। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अपने पीसी पर जाओ और उसे स्विच ऑफ करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो ओवर योर पीसी एंड शट इट डाउन, यानी अपनी पीसी पर जाओ और उसे शट डाउन कर दो, यानी बंद कर दो। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको ये बात मालूम होगा कि जहाँ से बॉलर बॉलिंग करता है वहाँ एक लाइन होती है, अगर उस लाइन के बाहर से बॉल करेगा तो उसका बॉल नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको कहना हो उस लाइन पर मत जाओ वरना तुम्हारा फेंकना काउंट नहीं होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट गो ओवर दैट लाइन else you throw won't count, यानी उस लाइन पर मत जाओ या उस लाइन के बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा थ्रो काउंट नहीं होगा। और जब कोई बॉलर ऐसा करता है यानी वह उस लाइन के बाहर जाता है तो इस तरीके के बॉल को कहते हैं नो बॉल। अगर आपको कहना हो स्पीड लिमिट से बाहर न जाओ या स्पीड लिमिट के आगे न जाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट गो ओवर स्पीड लिमिट, यानी स्पीड लिमिट के बाहर न जाओ। अगर आपको कहना हो अपने काम पर जाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो ओवर योर वर्क, यानी अपने काम पर जाओ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि गो ओवर का मतलब होता है कि बाहर जाना या किसी चीज पर जाना। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।